और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए काउंसलर शमसुद्दीन पीर की श्रीनगर हॉस्पिटल में मौत हो गई। शमसुद्दीन की मौत के साथ ही मौतों का आंकड़ा आपको बता दें 3 तक पहुंच गया है। श्रीनगर के सोपोर में आतंकवादियों ने काउंसलर के सुरक्षा कर्मी को सोमवार को गोली मार दी थी। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ईशान वानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जो ईशान, और क्या अधिक जानकारी है? देखिए, कल जैसा कि हमें मालूम है कि जब मिलिटेंट्स की तरफ से एक हमला हुआ, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो डिवीजन की फॉर्म हुई है, क्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको बीजेपी कह रही है एस्टैब्लिश हुई है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद ये पहली बार चुनाव हुए थे, जिसकी वजह से काफी सारे लोग सामने आए थे और इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इनकी एक मीटिंग जो है सोपोर में चल रही थी, जहाँ पर कल फायरिंग हुई, जिसकी वजह से एक की मौत वहीं पे हुई और एक पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे, जिनके बाद में देहांत हो गया अस्पताल में। उसके बाद जो और एक जख्मी थे शमसुद्दीन, जो कि बीजेपी के काउंसिलर बताए जा रहे हैं, कि उनका भी आज रात को ही देहांत हो गया अस्पताल में। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया था, और अभी भी अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल शाम को भी सोपोर के एक इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अभी जानकारी के मुताबिक वहां पे इनको कुछ नहीं मिला है। बट अभी भी सेना और सुरक्षा बलों का यही कहना है कि वो उसका ऑपरेशन जो है साउथ के नॉर्थ कश्मीर में जारी रखेंगे, ताकि जिन्होंने हमला किया है उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके पीछे जो पुलिस का कहना है वो लश्कर का हाथ है, और वहां पे एक लोकल जो मिलिटेंट है और एक फॉरेनर जो कि पाकिस्तान का, पुलिस का कहना है कि वो इस अटैक में इन्वॉल्व थे। बट एक के बाद दूसरा हमला होना काफी चिंता का विषय है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। हमने लावलपोरा में एक हमला देखा, जिसके बाद कल सोपोर में हमला हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। जी जी ईशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।